Hey guys, what's up? Welcome back to another video. तो इस सीजन सीएस रैंक के अंदर मैं ग्रैंड मास्टर पुश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ ऐसे आपके कमेंट्स पढ़े जिसमें आपने अपनी प्रॉब्लम बताई है जिसकी वजह से आप ग्रैंड मास्टर नहीं पुश कर पा रहे। तो मैंने सोचा जो आपकी प्रॉब्लम है उसे अपनी प्रॉब्लम बना के मैं रैंक पुश करता हूँ। एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो तो मुझे तभी पता चलेगा ना जब मैं आपकी प्रॉब्लम को फेस करूंगा। तो कुछ ऐसी यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स है जो सभी प्लेयर्स की है, जैसे कि ये शिवम भाई का कमेंट है, रैंडम के साथ प्रॉब्लम नहीं, रैंक ही नहीं पुश हो पाएगा, कभी टीममेट्स नूब आ जाते हैं और एनिमी तगड़े। तो शिवम भाई की प्रॉब्लम है कि वो रैंडम के साथ रैंक पुश नहीं कर पा रहे, एंड यही प्रॉब्लम आप में से भी काफी सारे प्लेयर्स की होगी। तो चलो अब मैं ट्राई करता हूँ रैंडम प्लेयर के साथ रैंक पुश करने का, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से रैंडम प्लेयर के साथ रैंक पुश करना है। तो अभी जो मेरी रैंक है वो है मास्टर 71 स्टार। तो इसके बाद मैं अपना पहला मैच शुरू कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग में तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती है, मैं बड़े आराम से एनिमीज को मार रहा था, जैसे कि ये क्लिप देख लो। राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं जल्दी से बाकी इधर ब्लू कंटेनर के पास आ जाता हूँ, एंड थोड़ी देर यहाँ पे वेट करने के बाद जब कोई भी एनिमी नहीं आता है तो मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ लेफ्ट वाले कंटेनर पे एक एनिमी बैठा होता है, तो उसे हेडशॉट मार के मैं नॉक कर देता हूँ और बिना किसी देरी के जल्दी से इसे फिनिश भी कर लेता हूँ। एंड इस एनिमी को फिनिश करने के बाद जैसे ही मैं आगे जाता हूँ मुझे एक एनिमी दिखता है जो कि मेरे टीममेट से फाइट लेने लग जाता है, तो उसे मैं इजीली हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। और तभी एक और एनिमी आ जाता है, तो उसे भी मैं हेडशॉट मार के खत्म करके ट्रिपल किल कंप्लीट कर लेता हूँ और बाद में ये वाला मैच मैं जीत जाता हूँ और मेरी रैंक 71 से 72 स्टार हो जाती है। एंड एक और चीज, मेरी पहले से 6 की स्ट्रीक चल रही थी एंड वो स्ट्रीक 7 की हो जाती है। एंड इसी तरह मैं दूसरा मैच भी जीत जाता हूँ एंड मेरी रैंक 73 हो जाती है और स्ट्रीक 8 की हो जाती है। तो मैं थोड़ा बहुत खुश हो ही रहा होता हूँ कि मेरे साथ ये हो जाता है। मैं लगातार दो मैच हार जाता हूँ बट मेरी दोनों बार रैंक प्रोटेक्शन पॉइंट की वजह से बच जाती है। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहा था, मैं अपना 100% दे रहा था हर गेम में। अब जैसे कि आप यही क्लिप देख लो, सामने वाले एनिमीज ऑलरेडी 3 बार जीत चुके थे एंड हमें कमबैक करना था। तो राउंड स्टार्ट होने के बाद जल्दी से भाग के इस वाली जगह पे मैं होल्ड करता हूँ, तो एक एनिमी मुझे ओपन में दिखता है तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद एक एनिमी मेरे टीममेट पे रश कर रहा होता है, तो उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। एनिमी का टीममेट उसे बचाना ले, इसलिए जल्दी से जाके मैं उस एनिमी को सबसे पहले फिनिश करता हूँ। लेकिन फिर वहां जाके मैं देखता हूँ कि जिस टीममेट को बचाने के लिए मैंने एनिमी को मारा वही टीममेट पहली नॉक पड़ा है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि चलो 3v3 फाइट है, हम इजीली कमबैक कर लेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था मेरे जो रैंडम टीममेट्स है वो किसी काम के ही नहीं है। तो थोड़ी देर इसी जगह पे रह के एनिमीज को मारने का ट्राई करता हूँ मैं, लेकिन एक एनिमी पीछे से आ जाता है तो जल्दी से उस पर मैं रश कर देता हूँ, बट जैसे मैं उसे थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ वो ओरियन बन जाता है। मैं तात्सुओ का यूज करके दूर ग्लूवॉल लगा लेता हूँ, लेकिन तब तक एक और एनिमी आ जाता है, वो दोनों एनिमी मेरे पे रश कर रहे होते हैं, इसलिए मैं तात्सुओ का यूज करके कवर में आ जाता हूँ। लेकिन एनिमी रश कर देता है तो मैं ग्लूवॉल लगा के एक एनिमी को किसी तरह बॉडी बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। लेकिन जोन में पीछे जाना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैं तात्सुओ का यूज करके घूम के इधर ऊपर आता हूँ, बट तब तक एनिमी अपने टीममेट को रिवाइव कर देता है। जैसे ही बाहर निकलते मैं एक एनिमी को नॉक तो करता हूँ बट वो मुझे इजीली मार देते हैं। तो दो मैच लगातार हारने के बाद मैं जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ और ये 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेने का इतना ज्यादा फायदा हुआ कि लगातार मैं बाकी के सारे मैच जीतता गया। मेरी रैंक 73 से 74 हुई, फिर 75, फिर 76 और इसी तरह मेरी टीम की स्ट्रीक वापस से बन गई। एंड हिसाब से भी ने कभी एक चीज नोटिस करी, आपको कभी भी दो की स्ट्रीक देखने को नहीं मिलेगी। अब दो की स्ट्रीक क्यों नहीं होती वो तो मुझे नहीं पता, बाकी आप सब मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपने सीएस रैंक में अब तक कितने की हाईएस्ट स्ट्रीक बना रखी है। तो ये 3 मैच लगातार जीतने के बाद मैं एक मैच फिर से हार जाता हूँ, इस बार तो प्रोटेक्शन पॉइंट भी नहीं था, तो मेरी रैंक 76 से 75 हो जाती है। लेकिन अगला ही मैच जीत के मैं वापस अपनी रैंक 75 से 76 कर लेता हूँ। लेकिन उसके बाद गैरिना मुझे मेरी औकात दिखा देती है एंड वापस मेरी रैंक 76 से 75 कर देती है। तो ये प्लस माइनस को अवॉइड करने के लिए मैं वापस से 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। फ्रेश माइंड के साथ वापस आके मैं गैरिना को उसकी औकात दिखा देता हूँ। लगातार 3 मैच जीत के मैं अपनी रैंक 75 से 76 करता हूँ, 77 करता हूँ, 78 करता हूँ, एंड जो मेरी 3 की स्ट्रीक पहले टूट जाती है वापस से मैं 3 की स्ट्रीक बना लेता हूँ। लेकिन गैरिना के आगे कोई बोल सकता है क्या? मैं वापस से लगातार 2 मैच हार जाता हूँ। तो एक मैच में तो मेरे पास प्रोटेक्शन पॉइंट होता है बट दूसरे मैच में नहीं होता, जिसकी वजह से मेरी रैंक 77 हो जाती है। और इस टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि हम स्टार्टिंग में 3-0 का स्कोर कर ले रहे थे, बट उसके बाद मेरे टीममेट पता नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके रश करते थे जिसकी वजह से हम हार जाते थे पूरा मैच ही। अब आप यही वाली क्लिप देख लो, ऑलरेडी हमारा स्कोर 3 है गाइस, सामने वाले एनिमीज का 0, बट किसी तरह ये वाला राउंड हम हार जाते हैं। उसके बाद जब दूसरा राउंड स्टार्ट होता है तो मेरे सामने एक एनिमी होता है, तो मैं उस पर रश करके उसे हेडशॉट मारने की तरह डाउन कर देता हूं, बट एक और एनिमी होता है जो मुझे डाउन कर देता है। मेरा डाउन होते ही मेरे टीममेट्स को पता नहीं क्या हो जाता है, वो भी खत्म हो जाते हैं, ये वाला राउंड भी हम हार जाते हैं। एंड सेम ऐसा ही हो रहा था जिस राउंड में मैं पहले मर जा रहा था, मेरे टीममेट्स वहां पे कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। ये लास्ट राउंड को ही देख लो, राउंड स्टार्ट होने की थोड़ी देर बाद ही मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है, एक एनिमी मेरे पास आ जाता है, तो मैं उसे किसी तरह नॉक कर देता हूँ। सामने ही कुछ एनिमी होते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी से वहाँ पे फ्लैश फ्रीज भी फेंक देता हूँ। जब तक मैं अपनी मेडी कंप्लीट कर रहा होता हूँ, मेरा एक टीममेट पता नहीं क्यों रश करने चला जाता है, वहाँ पे वो एक एनिमी को तो डाउन नहीं कर पाता बट खुद डाउन हो जाता है। तो जल्दी से मैं इस एनिमी को फिनिश करके इस ग्लूवॉल के पास खड़ जाता हूँ, एक एनिमी सामने आ जाता है, तो उसे मैं काफी ज्यादा बॉडी बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ, बट एनिमी का टीममेट एक चार्ज बस्टर की गोली मारता है एंड मैं मर जाता हूँ। मैं जैसे ही मरा, मेरा एक जो टीममेट बचा
भी था वो पता नहीं कैसे मर गया एंड हम ये वाला मैच हार गए। अच्छा खासा हम ये वाला मैच जीतने वाले थे, स्टार्टिंग में ही हम 3 बार लगातार जीत गए थे, बस एक राउंड और जीतना था। पता नहीं क्या हो गया था सारे टीममेट्स को, इतना बुरा खेलने लग गए थे कि सामने वाले एनिमी से 3-0 से 3-4 कर लिया। तो वापस से मैं वही ट्रिक का यूज करता हूँ, 2 मैच हारने के बाद मैंने वापस से ब्रेक ले लिया, फिर जब मैं वापस से फ्रेश माइंड के साथ आया, आते ही मैंने धड़ाधड़ सारे मैच जीतना शुरू कर दिया। तो मेरी रैंक 77 से 78 हुई, 79 हुई, तो मेरे क्लचेस जो थे वो थोड़े बहुत कम हो रहे थे, बट मैं हर राउंड में डबल किल तो बड़े आराम से कर ही ले रहा था। तो जैसे किसी क्लिप को देख लो, ग्लूवॉल के पीछे एनमी होता है तो मैं तासियो के यूज करके रश तो करता हूँ, बट मैं दूसरे एनमी के पास पहुंच जाता हूँ, इसलिए पहले मैं दूसरे एनमी को डैमेज देकर नॉक करता हूँ एंड उसके बाद तासियो का यूज करके अपनी लोकेशन को चेंज करता हूँ। लेकिन तभी पहला एनमी रश कर देता है तो उसे मैं बॉडी बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ, एंड इसी तरह मैं बड़े आराम से हर राउंड में डबल किल कर ले रहा था, एंड इसी तरह मैं मैच को जीत जाता हूँ एंड मेरी रैंक 79 से 80 हो जाती है और टीम की स्ट्रीक भी लग जाती है। और अगला मैच भी मैं इसी तरह जीत जाता हूँ, मेरी रैंक 81 हो जाती है एंड मेरी स्ट्रीक इस बार 4 की हो जाती है। तो मैं चाहता तो और भी ज्यादा रैंक प्लस कर सकता था, बट मैंने सोचा कि मैं सिर्फ 10 स्टार प्लस करके आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे रैंडम प्लेयर के साथ रैंक पुश करना है। रैंडम प्लेयर के साथ 10 स्टार प्लस करने के लिए मुझे टोटल 21 मैचेस खेलने पड़े। तो अगर आप रैंडम प्लेयर के साथ रैंक पुश करते हो तो उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है कि जब आप 2 मैचेस को हार जाओ तो आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। 10-15 मिनट में आप लास्ट के 2 मैचेस जो आप हारे हो उन्हें भूल जाओगे, नए मैच में आप फ्रेश माइंड के साथ काफी अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे, जिसकी वजह से रिजल्ट कुछ ऐसा होगा कि आप लगातार 2 से 3 मैचेस को आराम से जीतोगे। और अगर आपकी रैंक 50 स्टार से कम है तो हो सकता है कि आप और भी मैचेस लगातार जीत सकते हो। तो ऐसे में आपके कमेंट्स देख रहा था कि आपके और क्या प्रॉब्लम्स है, तो मुझे एक ये कमेंट मिलता है, तो GW अभी भाई ने तो मुझे चैलेंज ही दे दिया कि 1v4 करके दिखाओ। तो 1v4 करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने अब तक बहुत बार 1v4 कर लिया इस सीजन में, तो GW अभी भाई का चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। 4-5 मैच खेलने के बाद मेरा 1v4 हो जाता है, आप खुद ही देख लो। राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं जल्दी से इस जगह पे आ जाता हूँ ताकि कोई सामने से एनिमी आ रहा हो तो मैं उसे मार सकूं, लेकिन पीछे मुझे एक एनिमी दिखता है तो उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ, बट वो एनिमी मेरे टीममेट को भी नॉक कर देता है। तो जल्दी से मैं ग्लू और दिमिति लगा के अपने टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे जाके ग्लू लगा लेता हूँ ताकि अगर वो एनिमी आगे से जा रहा हो तो मैं उसे थोड़ा बहुत डैमेज दे पाऊँ। एक एनिमी गैरेज के अंदर जा रहा होता है तो मैं सोचता हूँ उस पर ग्रेनेड कर दूं, बट तब तक मैं सोचता हूँ कि वो एनिमी काफी दूर निकल गया होगा, मेरे टीममेट एनिमी से फाइट ले रहे होते हैं इसलिए मुझे उनका मोको दिख जाता है, तो मैं आगे रश कर देता हूँ एंड मैं जल्दी से ग्रेनेड कुक करना स्टार्ट कर देता हूँ, जहाँ पे एनिमी होते वहाँ पे ग्रेनेड फेंक देता हूँ, बट एनिमी ओपन में होते तो मैं इसलिए थॉम्पसन निकालता हूँ एंड बारी बारी दोनों एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। एंड फिर मैं देखता हूँ कि जिस एनिमी को मैंने सबसे पहले नॉक किया था उसे रिवाइव मिल गया, जैसे ही मैं पीछे जाता हूँ मैं देखता हूँ एक एनिमी सीधा सीधा भागता हुआ आ रहा होता है, उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ क्या पता लास्ट वाला एनिमी भी बाहर निकले तो मैं उसे भी मार दूं, बट वो एनिमी पहले बाहर नहीं निकलता, मैं खुद उस पर रश कर देता हूँ एंड मुझे एनिमी सामने ही दिख जाता है तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, मेरे टीममेट उसका सोनी एक्टिवेट कर देते हैं, मैं जल्दी से उस एनिमी पे रश करके अपना क्वाड्रा किल कंप्लीट कर लेता हूँ, इस तरह मेरा 1v4 क्लच हो जाता है। एंड आप सबकी संतुष्टि के लिए मैं बता देता हूँ, ये 1v4 क्लच मैंने रैंडम प्ले के साथ खेलते वक्त ही करा है। एंड इस चैलेंज के बाद मैं वापस कमेंट ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद मुझे मिलता है ध्रुवी का कमेंट। तो ध्रुवी का कहना है हमारे पास इवो गन स्किन नहीं है इसलिए हम एनिमी को नहीं मार पाते और रैंक पुश भी नहीं होती है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि मैं अपने दोस्त भावेशा की आईडी से खेलता था जिसके अंदर इवो स्किन्स होती थी, लेकिन 2 हफ्ते से मैं अपनी ओरिजिनल आईडी से खेल रहा हूँ जिसके अंदर कोई भी लेजेंडरी गन स्किन नहीं है, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हो गया था कि आप में से भी काफी सारे प्लेयर्स के पास अच्छी अच्छी स्किन्स नहीं है। तो इसीलिए जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बनाता हूँ या फिर कुछ भी वीडियो बनाता हूँ तो उसके अंदर मुझे भी लेजेंडरी गन स्किन्स का यूज नहीं करना चाहिए। तो ध्रुवी के लिए और आप सभी के लिए, अपनी इस ओरिजिनल आईडी के अंदर जितने भी लोकल गन स्किन्स है उन सभी गन स्किन्स को मैं अनइक्विप करने वाला हूँ, उसके बाद मैं 10 मैच खेलने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उन 10 मैच खेलने के बाद मैं कितने मैचेस को जीत पाया बिना गन स्किन्स के। ना एक और चीज तो आपको मैं बताने भूल गया, तो देखो काफी ज्यादा मैच में अकेले खेल खेल के बोर हो चुका हूँ तो मैं अपने एक दोस्त को भी बुला लिया हूँ। मैंने अपने इस दोस्त को भी बोल दिया कि अपनी वो सारी गन स्किन्स को अनइक्विप कर दे। वैसे सॉरी रोहित भाई, मुझे ये बोलना पड़ेगा, तो मान्यो फिगो भाई को मैंने इसलिए बुलाया था कि वो मुझसे बात करते रहे और गेम में मेरा मन लगा रहे, क्योंकि गेम प्ले तो उनका कुछ इतना खास है नहीं, वो रैंडम प्लेयर से भी बुरा खेलते हैं। सारी गन स्किन्स खुद हटाने के बाद और दोस्त से हटवाने के बाद मैं अपना पहला मैच शुरू कर देता हूँ। राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं ऊपर जा रहा होता हूँ कि राइट साइड मुझे एक एनिमी दिखता है तो मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, मेरे सारे टीममेट्स उस पे ग्रेनेड करने लग जाते हैं तो मैं उस एनिमी पे प्री फायर देने लग जाता हूँ, वो एनिमी किसी तरह नॉक हो जाता है। उस एनिमी को जल्दी से फिनिश करके मैं ऊपर जाता हूँ एंड एक एनिमी मुझे भागते हुए दिखता है तो उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं तासियो लगा के आगे जाता हूँ एंड ग्लूवॉल लगाता हूँ, मुझे लगता है कि सामने कोई एक एनिमी सीढ़ी पे है तो मैं जल्दी से ग्रेनेड कुक करके वहाँ फेंक देता हूँ, बट वहाँ पे कोई भी एनिमी नहीं होता है। एंड थोड़ी देर बाद लास्ट के बचे हुए 3 एनिमी सारे इधर से आ रहे होते तो मैं जल्दी से फ्लैश फिर फेंक देता हूँ, जो मेरे रैंडम टीममेट्स होते हैं वो जल्दी से जाकर रास्ता पूरा ब्लॉक कर देते हैं ग्लूवॉल लगा के, लेकिन रास्ता ब्लॉक करने के बाद भी पता नहीं कैसे मेरे रैंडम टीममेट्स बार बार नॉक हो जा रहे थे, इसलिए एक टीममेट को रिवाइव देने के बाद जल्दी से मैं पीछे भाग आता हूँ एंड तभी एक एनमी हम पे रश कर देता है तो उसे मैं P90 से बॉडी बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। एंड थोड़ी देर बाद लास्ट का एक एनमी बचता है जो कि नीचे कूद जाता है, उस एनमी को मारने के लिए मैं भी नीचे कूद जाता हूँ, बट वो एनमी मेरे सारे टीममेट्स को मार देता है एंड मैं तासियो का यूज करके एकदम से
डैश करके उसे हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। ये वाला राउंड जीतने के बाद हमारा 3 का स्कोर तो हो जाता है, बट पता नहीं कैसे सामने वाले एनिमीज कमबैक कर लेते हैं एंड ये वाला मैच हम हार जाते हैं। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं थी, प्रोडक्शन पॉइंट था तो इस बार हमारी रैंक माइनस तो नहीं हुई। मुझे इस बात को प्रूव करना था कि आपकी गन स्किन मैटर नहीं करती है, आपकी गेम स्किल मैटर करती है। तो फिर क्या, प्रूव करने के लिए मैंने अगला मैच स्टार्ट करा एंड उसके अंदर ही कुछ ऐसा हो गया। राउंड स्टार्ट होने की थोड़ी देर बाद ही मेरा दोस्त नॉक हो जाता है और जब मैं इस जगह पे पहुंचता हूँ मैं देखता हूँ मेरे टीममेट का सोनी एक्टिवेट है। तो इसी जगह पे खड़ा रहता हूँ, सामने वाला एनिमी रश कर रहा होता है तो उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। जिस रैंडम टीममेट का सोनी एक्टिवेट था उसने दिमित्री ऑन कर लिया था जिसकी वजह से वो खुद रिवाइव हो गया। लेकिन एकदम से पीछे से एक एनिमी आ जाता है, उसे मैं बॉडी बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। और इस एनिमी को फिनिश करते करते मैं देखता हूँ कि मेरे सारे टीममेट्स नॉक हो गए हैं। मैं तासु लगा के आगे जाता हूँ बट एनिमी मुझे काफी ज्यादा डैमेज देते हैं, इसलिए मैं तासु लगा के आगे जाता हूँ, एक एनिमी को बॉडी हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। एक और एनिमी सामने होता है बट वो ग्लो लगा लेता है, इसलिए मैं जल्दी से एक एनिमी को फिनिश करने के बाद तासु लगा के वापस कवर में चला जाऊँ। लास्ट वाले में मुझे मारने के लिए वहाँ पे आता है तो मैं वहाँ पे होता ही नहीं। उस एनिमी को वापस से डैमेज देने के बाद मैं अपनी हील वगैरह कंप्लीट करता हूँ। तो हील वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं इस वाली जगह पे आ जाता हूँ एंड मैं इस जगह पे काफी देर खड़ा रहता हूँ क्योंकि मुझे एनिमी की एग्जैक्ट लोकेशन पता ही नहीं होती। और अब बस मुझे इस एनिमी को मारना था एंड मेरा 1v4 कंप्लीट हो जाता और वो भी विदाउट गन स्किन। बट जब मैं देखता हूँ कि जोन मुझे ही फेवर कर रहा है तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद एनमी अपनी फुटस्टेप देता है एंड एनमी जैसे ही ओपन में आता है मुझे थोड़ा बहुत डैमेज देके कवर में जाता है एंड फिर वापस उसे डैमेज देता हूँ। बट एनमी ग्लू लगा लेता है, तासु को यूज करके वो और आगे जाता है बट मुझे और ज्यादा डैमेज दे देता है एंड वो जोन में ही नॉक हो जाता है जिसकी वजह से मेरा 1v4 कंप्लीट हो जाता है एंड ये वाला राउंड मैं जीत जाता हूँ। तो इसी तरह मैंने और भी काफी सारे मैचेस को जीते जिसकी वजह से मेरी 3 की स्ट्रीक बनी एंड उसके बाद 4 की स्ट्रीक बनी। लेकिन उसके बाद फिर वही रैंडम टीममेट्स का ड्रामा स्टार्ट हो गया। राउंड स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर में सारे मेरे टीममेट्स मर जा रहे थे एंड मैं अकेला आखिरी में बचता था जैसे इसी क्लिप में देख लो। राउंड स्टार्ट हुए अभी सिर्फ थोड़ी देर हुआ है एंड मेरे 2 टीममेट्स नॉक हो चुके हैं। तो जल्दी से मैं अपने लास्ट टीममेट के पास जाता हूं ताकि मैं उसके साथ रह सकूं एंड उसे भी बचा सकूं। पर पता नहीं मेरा लास्ट टीममेट मुझे अकेला छोड़ के क्यों आगे रश करने चला जाता है एंड एक एनिमी कार के पीछे होता है तो मुझे काफी ज्यादा डैमेज देता हूं। मेरा टीममेट भी नॉक हो जाता है तो जिस एनिमी ने उसे नॉक किया था तो उसे मैं हेडशॉट मार के सोनी एक्टिवेट कर देता हूं। उसके बाद कार वाला एनिमी थोड़ा ओपन में आता है एंड उसे मैं बॉडी और हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूं। तो उस एनिमी ने भी मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था तो इसलिए जल्दी से मैं अपनी हीलिंग वगैरह कंप्लीट करता हूं। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ ताकि जिस एनमी का मैंने सोनी एक्टिवेट करा था मैं उसे फिनिश कर पाऊँ। लेकिन वो एनमी पता नहीं कहाँ गायब हो गया था, मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो ये वाली जगह ज्यादा मुझे सेफ नहीं लग रही थी इसलिए जल्दी से भाग के मैं इस वाली जगह पे आ जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद एक एनमी ओपन में आता है जिसे मैं ओनली रेड नंबर मार के नॉक कर देता हूँ। उसके बाद जोन भी पीछे से आना स्टार्ट हो जाता है तो मैं सोचता हूँ नॉक हुए एनमी पे रश कर देते हैं। लेकिन जब मैं रश करता हूँ तो मुझे एक एनमी ओपन में दिखता है जिसे मैं बॉडी बॉडी मार के नॉक तो कर देता हूँ बट पीछे से एक एनमी आता है जो मुझे मार देता है एंड ये वाला राउंड हम हार जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ मैच हारने के बाद भी मैं कुछ मैच जीतता हूँ, उनमें से एक लास्ट क्लिप में आपको और दिखा देता हूँ। राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं ब्लू कंटेनर पे रश कर देता हूँ, सोचता हूँ चार्ज बस्टर से मार दूंगा बट मेरे एक्शन का इतना ज्यादा रिएक्शन होगा मैंने नहीं सोचा था। मेरे वहां से हटते ही 2-2 ग्रेनेड आए और हर जगह से फायर आया। वो तो अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे वहां से निकल गया। तो थोड़ी देर बाद मैं इस वाली जगह पे आ जाता हूँ एंड उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरे दोस्त पे एक एनमी रश कर रहा है। उसे कवर देने के लिए मैं आगे जाता हूँ बट तब तक मेरा दोस्त नॉक हो जाता है। मैं चार्ज बस्टर चार्ज करते करते आगे जाता हूँ, मुझे सामने एनमी दिखता है तो मैं 2 बार चार्ज बस्टर चला के उसे नॉक कर देता हूँ। एक और एनमी होता है तो मैं चार्ज बस्टर चार्ज करके उसे डैमेज तो देता हूँ बट मैं भी काफी ज्यादा डैमेज होता हूँ, इसलिए मैं ग्लूल के पीछे आ जाता हूँ एंड वो एनमी को मेरा टीममेट मार देता है। उसके बाद एक एनमी सामने से आ रहा होता है बट जब उस पर मैं फायर करता हूँ तो एक भी गोली उसे नहीं लगती है। उसके बाद मुझे एक और एनमी दिखता है तो मैं जल्दी से चार्ज बस्टर चार्ज करना स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद एक और एनमी आ जाता है तो उसे मैं चार्ज बस्टर से नॉक कर देता हूँ। तुरंत ही एक और एनमी आ जाता है तो उसे भी मैं चार्ज बस्टर से नॉक कर देता हूँ। लास्ट एनमी भी वहीं पे होता है तो मैं जल्दी से तासुओ का यूज करके वहाँ पे रश करता हूँ बट मैं बहुत आगे निकल जाता हूँ जिसकी वजह से लास्ट वाले एनमी को तो मैं नहीं मार पाता, पर ये वाला मैच हम भुया कर लेते हैं। इसके बाद जो मेरी रैंक होती है वो है 85। तो टोटल 10 मैच खेलने के बाद बिना गन स्किन्स के मैं 10 में से 6 मैचेस बुया कर पाता हूँ एंड ये 4 मैचेस भी मैं इसलिए हारा क्योंकि जो मेरे रैंडम टीममेट्स थे वो काफी अच्छे नहीं थे। अगर उनकी जगह मेरे दोस्त होते तो शायद मैं और मैचेस जीत पाता। एंड आई होप आपको ये तो पता चल गया होगा, अगर आपका गेम स्किल अच्छा होगा तो गन स्किन मैटर नहीं करती है। एंड बाकी मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को आप अपनी प्रॉब्लम से भर दो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। मैं आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना के गेम प्ले करूंगा एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। और बाकी अगर आप सीएस रैंक पुश कर रहे हो, अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो तो सेकंड चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, आप उस वीडियो को देख लेना, आपका गेम प्ले काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा एंड आप रैंडम प्लेयर के साथ इजीली रैंक पुश कर पाओगे। एंड उस वीडियो में कुछ खास भी है तो उस वीडियो को देखने के लिए आप लेफ्ट पे क्लिक कर सकते हो, आप सीधा वीडियो के अंदर चले जाओगे। बाकी आज के लिए इतना ही, चैनल पर नहीं आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।